जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के बिना अधूरी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते और इसके लिए हमें उनको आवर्धित करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, सभी जीव जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं और ये कोशिकाएँ बहुत छोटी और ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी होती हैं और बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवी होते हैं जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में चीज़ों के आवर्धन के लिए हम किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। आप सब ने हैंड लेंस का इस्तेमाल कभी ना कभी किया होगा या किसी को ये इस्तेमाल करते ज़रूर देखा होगा। अगर ये हैंड लेंस छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, अगर आप देखें तो ये इस चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। कई घरों में आपने अपने नाना या दादा को भी इसका इस्तेमाल अखबार पढ़ने के लिए करते देखा होगा। ये हैंड लेंस का मैग्निफिकेशन या आवर्धन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार से पहले जीव वैज्ञानिक हैंड लेंस या लेंसों का ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब उन्होंने लेंसों के एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना शुरू किया तब इसने सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार को जन्म दिया। पहले आज हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप और जिसको हम डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप भी कहते हैं उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप या डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस माइक्रोस्कोप में एक नीचे बेस या आधार होता है जिसकी सहायता से इसे उठाकर कहीं भी रखा जा सकता है और ये माइक्रोस्कोप का वेट लेता है या उसका भार लेता है जब भी हम इसे किसी भी सतह पर रखते हैं। इसमें एक वर्टिकल और सीधा स्टैंड होता है जिसमें एक संयोजक घुंडी जिसको हम एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं वो लगी होती है। अगर मैं ये एडजस्टमेंट नॉब ऊपर या नीचे करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये हिस्सा सूक्ष्मदर्शी का ऊपर और नीचे जाता है। इसमें एक नेत्रिका या आईपीस होता है जो एक सिंपल उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस होता है। इस माइक्रोस्कोप की टोटल मैग्निफिकेशन पावर या संवर्धन क्षमता इसके नेत्रिका पर निर्भर करती है जो 5, 10 या 15x होती है, जहां x आवर्धन क्षमता को दिखाता है। इसके अलावा इसमें एक आयताकार शीशे का स्टेज होता है जिसमें दो क्लिप्स लगे होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्लिप्स हिलाए जा सकते हैं और ये स्लाइड को एक जगह स्थिर रखने में मदद करते हैं। जब हम इस एडजस्टमेंट नॉब को ऊपर या नीचे करते हैं तब हमें ये स्लाइड को फोकस करने में आसानी होती है। स्टेज के नीचे की तरफ एक समतल अवतल दर्पण होता है जिसकी सहायता से हम प्रकाश को स्टेज पर फोकस करते हैं। इससे हमें स्लाइड्स देखने में आसानी होती है। आप सब ने ये पौधा तो देखा ही होगा। हाँ, ये पाइन है या इसको हम चीड़ कहते हैं हिंदी में, और ये यूजली माउंटेनस एरियाज या पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें इसके मेल कोन्स या नर शंकु दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये हैंड लेंस में कैसे दिखते हैं, स्लाइड में कैसे दिखते हैं और सिंपल डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में कैसे नज़र आते हैं। आप जैसा देख सकते हैं, अगर हम इसे हैंड लेंस से फोकस करें तो आप इन्हें ऐसे देख पाते हैं। अगर हम इनके पोलन ग्रेन्स को एक स्लाइड पर रखकर हैंड लेंस से मैग्निफाई या संवर्धित करते हैं तो आप सिर्फ इन्हें पीले बिंदुओं की तरह देख पाते हैं, उसके अलावा आप इनका कोई संरचना नहीं समझ सकते हैं। आइए हम देखते हैं, अगर हम इसकी एक स्लाइड बनाते हैं और इसको हम डाइसेक्शन माइक्रोस्कोप में फोकस करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पोलन ग्रेन्स की संरचना और आकार ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि इसकी आवर्धन क्षमता हैंड लेंस की आवर्धन क्षमता से कहीं ज़्यादा है।
डायसेक्शन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में होल माउंट या चीजों को पूरा देखने के लिए, ऑर्गेनिजम्स छोटे जीव जंतु कीट वगैरह के लिए देखने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए हम एक और स्लाइड देखेंगे जो हाइड्रा की स्लाइड है, जिसको हम डायसेक्शन माइक्रोस्कोप में देखें और देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार दिखाई देती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आप हाइड्रा का आकार और शेप समझ पा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप उनकी कोशिकाओं की संरचना के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इस माइक्रोस्कोप के प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। हमेशा एक साफ कपड़े से इसके लेंस को साफ करना चाहिए और स्लाइड हटाने के बाद स्टेज को भी ठीक से या हल्के से साफ करके इसको रखना चाहिए। एक पॉलिथिन का कवर इसके साथ आता है, या तो आप इसको उस पॉलिथिन कवर से इसको ढककर रख सकते हैं, अथवा एक लकड़ी के बॉक्स में जो इसके ही डायमेंशंस के हिसाब से बना होता है, इसको प्रयोग करने के बाद इसको संभाल कर लकड़ी के डब्बे में रख देना चाहिए। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि यह जीव विज्ञान की प्रयोगशाला का एक ज़रूरी उपकरण है। आइए अब हम एक और उपकरण के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं, जिसमें एक लेंस की जगह दो लेंसों का इस्तेमाल होता है और इसलिए इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। दो लेंस, जिन्हें हम नेत्रिका और अभिदृश्यक या आईपीस और ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और इस माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की टोटल मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता इन दोनों लेंसेस की आवर्धन क्षमता का मल्टीप्लीकेशन या गुणक होती है। तो अगर आपके आईपीस का मैग्निफिकेशन 10x और ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 40x है, तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन 10x40 विच मीन्स 400x होगा। इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की मैक्सिमम आवर्धन क्षमता या सर्वाधिक आवर्धन क्षमता 1000x या 1000 गुना होती है। आइए जानते हैं कि इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के क्या क्या भाग होते हैं। इसका सबसे निचला हिस्सा आधार या बेस कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घोड़े के नाल के आकार का होता है और सूक्ष्मदर्शी का भार ग्रहण करता है। इसके ऊपर एक बाहु होता है जो मुड़ा हुआ हिस्सा है। इसकी सहायता से हम सूक्ष्मदर्शी को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी का ये हिस्सा बॉडी ट्यूब कहलाता है, जिसमें एक रोटेटरी डिस्क में तीन अभिदृश्यक लेंस फिक्स होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आप घुमाकर तय कर सकते हैं कि आपको किस अभिदृश्यक लेंस का इस्तेमाल करना है। अभिदृश्यक लेंस के दूसरी तरफ एक नेत्रिका या आईपीस होता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका टोटल मैग्निफिकेशन या आवर्धन आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का गुणक होता है। एक आयताकार स्टेज जिस पर हम स्लाइड रखते हैं, इस पर दो क्लिप्स होती हैं जिसकी सहायता से हम स्लाइड को स्थिर रख सकते हैं। स्टेज के बीच के हिस्से में एक छिद्र होता है जिसके द्वारा और जिसके थ्रू लाइट नीचे से ऊपर आती है। एक डायफ्राम है जिससे हम प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मूवेबल या चल समतल अवतल दर्पण स्टेज के नीचे लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम प्रकाश को अपनी स्लाइड पर केंद्रित कर सकते हैं। ये दो घुंडियां जो आप देख पा रहे हैं, एक स्थूल समायोजन घुंडी और यह सूक्ष्म समायोजन घुंडी होती है। जब हम इसको घुमाते हैं तो बॉडी ट्यूब ऊपर या नीचे घूमती है। स्थूल समायोजन घुंडी बॉडी ट्यूब को ज़्यादा मात्रा में ऊपर और नीचे ले जाती है, और सूक्ष्म समायोजन घुंडी इस बॉडी ट्यूब को बहुत कम ऊपर या नीचे ले जाती है। इस माइक्रोस्कोप में या इस सूक्ष्मदर्शी को इस्तेमाल करने के लिए हम अभिरंजकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोशिकाएं और ऊतक ट्रांसपेरेंट या हाईलाइन या पारदर्शी होते हैं,
तो अगर हम उन्हें अभिरंजकों से रंग प्रदान करते हैं तो उनकी संरचना का अध्ययन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। इस सूक्ष्मदर्शी के लिए हम सबसे पहले इस लाइट को 10x या लो मैग्निफिकेशन पावर में फोकस करते हैं। जब हमारी स्लाइड 10x या लो मैग्निफिकेशन में होती है तब हम कोर्स एडजस्टमेंट, स्थूल समायोजन घुंडी और फाइन एडजस्टमेंट या सूक्ष्म समायोजन घुंडी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्लाइड को फोकस करने के लिए। जब हम ये देख लेते हैं कि हमारी देखने वाली वस्तु अच्छी तरह फोकस हो गई है, हम इसको हाई मैग्निफिकेशन या 40x में ले जाते हैं। जब आप स्लाइड को 40x में फोकस करते हैं तो आप स्थूल समायोजन घुंडी या कोर्स एडजस्टमेंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इससे स्लाइड टूटने का खतरा रहता है। तब आप सिर्फ सूक्ष्म समायोजन घुंडी या फाइन एडजस्टमेंट को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम इसको 40x मैग्निफिकेशन में देखते हैं। ज़्यादातर कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स या संयुक्त सूक्ष्मदर्शियों में एक और लेंस होता है जिसको हम 100x कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा आवर्धन का लेंस होता है, लेकिन इसके लिए हमें ऑयल इमर्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके लिए जब आपने 40x में स्लाइड देख ली है, उसके बाद आप एक बूंद ऑयल की कवर स्लिप के ऊपर डालते हैं। और इसके बाद आप इसको 100x में फोकस करते हैं। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे, इस माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन पावर 1000x है, क्योंकि 100x हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस या अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन क्षमता है और 10x हमारी नेत्रिका या आईपीस की आवर्धन क्षमता है। तो जब हम इनका गुणक निकालते हैं तो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो 1000x है वो पता चलती है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो 1000x मैग्निफिकेशन में दिखाई नहीं दे सकते। उसके लिए हम एक और माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर 15,000 टाइम्स होती है और इसका इस्तेमाल कोशिका अंगकों और वायरसेस को की संरचनाओं को समझने के लिए किया जाता है। इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने के लिए कुछ सावधानियां हैं। जब भी आप माइक्रोस्कोप रखें तो उसे सीधा रखें, टेढ़ा कभी भी ना रखें। हमेशा माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आर्म या बाहू का इस्तेमाल करें। जब आपकी स्लाइड 40x में हो तो कोर्स एडजस्टमेंट या स्थूल संयोजन नॉब का इस्तेमाल ना करें, और जब आप इस माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कर लें तो इसका एक पॉलिथिन का कवर में इसको ढककर या एक लकड़ी के बक्से में इसको संभाल कर रखें। आज आपने जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में हैंड लेंस, डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के भागों को अच्छी तरह समझ लिया होगा और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है आप उसे समझ गए होंगे।